नमस्कार साथियों, माइनिंग टेक्निकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मिनरल ऑक्शन रूल 2015 का जो सेक्शन 13 है, पेमेंट अंडर माइनिंग लीज, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें सेक्शन 13 में है पेमेंट अंडर माइनिंग लीज, खनन पट्टे के अधीन भुगतान। पहला, इसमें लीजी स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी और डेड रेंट पे करेगा तथा यह पेमेंट इसके बनाए गए एक्ट और रूल्स के अधीन होगी। मतलब जो लीजी होगा वह स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी और डेड रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा और यह रॉयल्टी और डेड रेंट का पेमेंट इसके अंतर्गत जो एक्ट और रूल बनाए गए हैं उनके अधीन या उनके अनुसार ही पेमेंट किया जाएगा। दूसरा, लीजी स्टेट गवर्नमेंट को रूल 8 के अधीन कोटेड एप्लीकेबल पेमेंट को मंथली बेसिस पर पे करेगा। जो लीजी है, जो स्टेट गवर्नमेंट में रूल 8 में के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार जो पेमेंट है वह मंथली बेसिस पर करेगा। तीसरा है, लीजी एक्ट के अधीन ऐसे अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेगा जो आवश्यक हो। अब जो भी जैसे नए नए प्रोविज़न आते रहते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का आया था, एनिमिटी का आया था, ये जो भी नए आएंगे जानकारी, जो भी रूल्स या आएंगे बनेंगे तो उनके आधार पे भी आपको पेमेंट करना है। इसमें पहला है कि द डिजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एंड बी डिजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। जो है लीजी है, जो है वो जो भी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का जो डिजिग्नेटेड अकाउंट बनाया जाएगा उसमें आपको पेमेंट आपको करना है और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में का जो अकाउंट है उसमें पेमेंट करना है। और बी है उसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगा उसमें भी आपको डिजिग्नेटेड अकाउंट में पेमेंट करना है। और चौथा है, लीजी इसके अलावा भी ऐसे अमाउंट को भी पे करेगा जो कंसर्निंग अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए लॉ के अनुसार देना आवश्यक है जो बाद में फोर्स में आते हैं। मतलब कि ऐसा भी कोई जैसे आपको लीज ऑक्शन के द्वारा मिली, मान लो 2018 में ऑक्शन में लीज मिली है और 2019 में कोई नया रूल्स आ जाता है तो आपको उसके अनुसार भी आपको उसमें जो फोर्स में रूल आएगा उसके आधार पे आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि अभी ये एनएमईटी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जो पेमेंट था पहले नहीं हो रहा था, अभी ये 2015 MMDR एक्ट आने के बाद ये पेमेंट आप करना पड़ रहा है लीजी को। तो ये आप अगर आपको ऑक्शन में लीज मिलने के बाद भी कोई नया रूल आ जाता है तो उसके अनुसार भी आपको पेमेंट करना पड़ेगी। तो साथियों, मैंने आपको यहाँ पे मिनरल ऑक्शन रूल 2015 का सेक्शन 13 पेमेंट अंडर माइनिंग लीज का पार्ट 8वां जो है इसका मिनरल ऑक्शन रूल 2015 के बारे में जानकारी दी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या पेमेंट करना है अंडर माइनिंग लीज के अंदर इसके बारे में जानकारी मिली होगी। और आपको परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या जन मिनरल ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का आपको लाभ मिलेगा। तो आप लगातार इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।